यार ज़िंदगी काफ़ी छोटी है गाइस, प्यार मोहब्बत से जी लीजिए। हम सबका गणतव्य जो है वो एक ही है, हर हर महादेव। अभी लॉकडाउन को जो है तकरीबन 60 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, और जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है पता नहीं क्या कैसे होने वाला है। एनीवे नोबडी कैन यू नो रियली प्रेडिक्ट द फ्यूचर, सो दिस इज़ रियली लाइक हाई टाइम आई हैव यू नो स्टॉप्ड माय 10,000 स्टेप्स डेली। एंड अभी के वक्त तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि पिछले 60 दिन से सिर्फ घर में बैठे बैठे खा रहा हूँ एंड नो वर्कआउट इज़ हैपनिंग। सो यस आई गॉट आउट माई सॉक्स, अभी जो है हमारा जूता भी रेडी है। सो टुडे फाइनली इट्स द डे आई एम बिगनिंग माई 10,000 स्टेप्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज इफ यू डोंट डू कर्म सो नथिंग हैपन्स, बट इफ यू डू कुछ भी कर्म अगर आप करते हैं तो कुछ तो जरूर होता है, एटलीस्ट समथिंग हैपन्स। एनीवेज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाय एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाय बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। सो दिस इज 30th ऑफ मे, शनिवार है, 11:10 AM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 33 degrees Celsius, इट्स पार्शियली क्लाउडी। एंड ऑल्सो व्हाट आई वॉज सेइंग वॉज कि दिन प्रतिदिन ये जो है आप इस तरफ से तो नहीं देख पा रहा होगा, बट दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा यू नो क्लियर, इट्स हैपनिंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट, मतलब दूर जो है, हालांकि मुंबई के मतलब किनारे तो मोस्टली समंदर ही है, बट दूर का आइलैंड जो है मड आइलैंड वो नहीं दिखता था, लेकिन अब जो है वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। पता नहीं दिस कैमरा विल डू द जस्टिस और नो, बट आई विल जस्ट हैव शो यू अ ग्लांस एंड आई विल बिगिन माय वॉकिंग, एंड ड्यूरिंग द वॉकिंग आई विल जस्ट पुट ऑन राधा कृष्ण ताकि उसमें मैं जो है एपिसोड एक्सटेंड कर पाऊँ। चीयर्स। सो गाइज अगर आप पुराना वीडियो क्लिप देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि इतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा था, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये देख लो कितना क्लियर दिख रहा है, और अगर हम और जूम करते हैं ना तो ये देखो ये जो आपको ये गाछ वृक्ष दिख रहा है इसके जो उस पार है, जो आपको ये आसमान से थोड़ा जो नीचे दिख रहा है ना ये यहाँ तक, तो ये समंदर ही है। सो ये समंदर तक जो है वो भी क्लियरली दिख रहा है। सो नेचर इज हीलिंग एट इट्स यू नो द बेस्ट स्पीड एंड नाउ वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल यू नो टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, तो घर में बैठे बैठे सिर्फ बैठने का और खाने का नहीं। 60 दिन हो गया, बहुत हो गया, एवरीथिंग शुड रिज्यूम। हालांकि आई हैव स्टार्टेड माई यू नो ऑल रेस्ट ऑफ द वर्क, बट नाउ इट्स द टाइम कि अब हेल्थ ऑल्सो योगा वगैरह भी रिज्यूम करना है। हालांकि टुडे आई हैड जस्ट वाटर मेलन, इसलिए मैं अभी वॉकिंग ही प्रेफर करूँगा, योगा तो भूखे पेट करना चाहिए। और ऑल्सो आजकल मैं सो ज़्यादा रहा हूँ, 8 से 9 घंटे सो रहा हूँ, कहाँ मैं 4-5 घंटे सोता था, और अब ये काफ़ी तरीके से चीज़ें बदल गई है, अब सब चीज़ को नॉर्मल करना है। सो लेट्स बिगिन द 10,000 स्टेप्स। Yes, so now I'm ready and here the show begin. And जिंदगी में पहली बार हमें लग रहा है कि मैंने जो है हाफ पैंट में पहना है, थोड़ा अजीब ही लग रहा है मुझे, बट anyway घर में ही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की क्योंकि ये मार्वल है तो खाली पाँव तो कृपया आप ना चले, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, एक दिन 10,000 स्टेप्स जोश जोश में चल लिया, उसके बाद जो है 15 दिन के बाद अब रेज्यूम कर रहा हूँ। सो हियर द जर्नी बिगिंस एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट राधा कृष्ण। ओके गूगल turn on TV and I'll just shoot a time lapse by keeping my by the way I'm using my gorilla tripod, isko main rakh ke thoda time lapse bhi banaunga, aur should I wear ghadi pehnu to case mein to time lapse hone wala hai, to kya karne ga ye bavariye, are ye bavariye bavariye, oh bavariye bavariye, okay so this bavariye will work 11:50. Cheers.
So yes, the camera is set up. I am wearing my watch, and here the journey begins of the 10,000 steps. And Radha Krishna will be on. आप जो है राधा कृष्ण को जो है टाइम लैप्स में एंजॉय कर सकते हो और मुझे ऐसा जाते हुए और पीछे आते हुए देख सकते हैं. बड़ी थी अभी हमें कह रहे थे कि यू कैन हैव यू लिसन द सॉन्ग एंड चल सकते हो रात में जो अभी गाना सुनने का जो कार्यक्रम है. लेकिन क्या है, राधा कृष्ण भी देखना जरूरी है और वो छूटे ना तो एक पंथ दो काज हो जाएगा हमारा. 10,000 स्टेप्स चलने में तकरीबन हमें डेढ़ से पौने दो घंटे लगने वाले हैं. तो उतने देर में आई थिंक 4-5 एपिसोड भी इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा. राधा कृष्ण का अप्रोक्सीमेटली 425-30 एपिसोड ऑलरेडी है. तो होपफुली इन नेक्स्ट 15-30 डेज, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन है वो 15 दिन तो फॉर श्योर एक्सटेंड होने वाला है. एंड इन दिस 15 days, I'm definitely going to reduce my weight as well, and Radha Krishna भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा. अब जो है रुकने का नहीं, लॉकडाउन का इंतजार नहीं करने का, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन ने बहुत ही दिमाग खराब करके रख दिया है. It's a khichdi and pudina ki chutney. This is some mirchi wala achar. This is chokha. This is so-called leftover roti, and this is some beet and cucumber. And this is my favorite chawal ki chawal ki papad. And this is again the main stock. Takriban 2 baj rahe. Alexa, turn off hall fan. So alright guys, having this uncle chips with my auntie, जो मेरी मम्मी है. तो basically this is my game playing time. और मम्मी इस वक्त यहाँ पर आकर हमें जो है थोड़ा disturb करती है कि देखो हमारा दोनों joystick जो है that is ready. I have to play game. और मम्मी किचन में कुछ ना कुछ करेगी. कोई नहीं, let my capture card come. उसके बाद हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छे से होगा, कमेंट्री भी अच्छे से होगा. खराब मान लीजिए, हैव अंकल चिप्स विद सम आंटीज, जोक ऑफ द डे. अंकल से तो मिलिए. तो एक कहावत शायद आप लोगों ने सुनी होगी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. एंड दूसरी चीज़ जो हम अपने माता पिता से काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं वो है, दिवस जात नहीं लागे ही बारह. सो दिस बेसिकली मीन्स कि समय बीतता जाएगा एंड उसको कोई नहीं रोक पाएगा. तो आप चिंतन मनन में ना रहें, अपने कर्म को करते रहें. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न. 60 दिन किस तरीके से बीत गया एंड इतने दिन से मेरा वॉकिंग और स्केड्यूल पूरा इधर उधर हो गया. हालांकि नाउ आई हैव रिज्यूम्ड इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर पुटिंग दैट थॉट इन माय ब्रेन टू रिज्यूम द थिंग्स. दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड. मेरा रिक्लाइनर का जगह भी इधर से उधर कर दिया, स्पेस रेडी है, घर में ही चल रहा है वॉक. There should be no excuses in your life, guys. This was what I was willing to say. कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करें. और एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि
कुछ करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ज़रूर है। तो कुछ ना कुछ तो करें ही, और अपने जैसा कि मैंने कहा, एक रूटीन बनाए अपने ज़िंदगी में और कुछ तो फॉलो करें। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, विच आई हैव लर्नड, कि वही वाली बात, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। So yes guys, that was all for this vlog. Tab tak ke liye keep spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to Almighty for whatever you have in your life, have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself ki jo kuch bhi aapko aapke zindagi mein chahiye, kya aap us cheez ko sach mein paane ke liye dil se mehnat kar rahe hain, yes ya no, agar nahi kar rahe to kijiye, aur agar aap kar rahe hain to samajh jaiye aap har roz success ki aur badh rahe hain, aur jahan tak bhi aap khud ko dekhna cha rahe hain ki aap us tak pahunchne ke liye aaj sach mein deserving hain, keep on questioning this question to yourself, because this question will show you your existence and it will also motivate you to work more hard. So agar aap deserving nahi hai to work hard like a lantern into that deserving person. Trust me, the day you will be turning a deserving person, God will truly give you whatever you will be deserving for, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाते रहिए, और जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए, जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, विकारों से दूर रहें और सद्गुणों से खुद को जो है निर्मल करते रहें। एंड यस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड देन हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव गाइस। यस, ज़िंदगी काफ़ी छोटी है गाइस, प्यार मोहब्बत से जी लीजिए, हम सबका गणतव्य जो है वो एक ही, हर हर महादेव। यस, दिस इज 7th of June, संडे, इट इज़ 16:35 हो रहा है, यानी 4:35 PM, एंड द टेम्परेचर इज 32°C, इट्स मोस्टली क्लाउडी। सो यस, दिस इज़ द 8th day, हमारा वॉक जो है कंटिन्यू चल रहा है। चीयर्स। बेटा पा नहीं है, एक्चुअली निशा ध है।